हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स अबाउट, दिस इज शुभित रुग्नाथ। इस वीडियो में हम CSIR NIO की जो वैकेंसी आउट हुई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई है ये वैकेंसी ड्यू टू सम क्वालिटीज, जैसे कि 12th पास जो है वो इसे फिल कर सकते हैं, सैलरी बहुत अच्छी होती है इसमें, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि एक सिंगल एग्जाम होता है और आप सेलेक्ट हो जाते हो यहाँ पर। तो ये तो सबसे ज्यादा बच्चों को अट्रैक्ट करती है चीजें कि एक सिंगल एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाए। एक एक करके इसके डिटेल्स के बारे में बात करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि इसका लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन कब है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आपका स्टार्ट है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का वो ऑलरेडी हो चुका है, 20 अगस्त से फॉर्म फिल हो रहा है। लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलिंग का वो है आपका 19 सितंबर। यहाँ पे एक अलग चीज आपको करनी पड़ेगी कि फॉर्म भरने के बाद उसकी हार्ड कॉपी आपको सेंड करनी पड़ेगी इनके हेड ऑफिस, उसकी जो लास्ट डेट है वो है 30 सितंबर 2024। ये याद रखिएगा, एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो आपकी आदत नहीं है, और आप जब ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते हैं आपका काम हो जाता है, बट यहाँ पे आपको ये भी करना पड़ेगा, और 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। अब बात करते हैं किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि जूनियर स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है उसके लिए 5 वैकेंसीज है, 5 पोस्ट खाली है। पे लेवल 4 के हिसाब से आपको पे किया जाएगा, और 27 साल इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है। जूनियर सेक्रेटरीट की 2 वैकेंसी, एक फाइनेंस एंड अकाउंट के अंडर में है और एक स्टोर एंड परचेज के अंडर में है। फाइनेंस एंड अकाउंट के अंडर में जो जूनियर सेक्रेटरीट की असिस्टेंट की पोस्ट है वो 3 है, पे लेवल 2 से आपको पे किया जाएगा, 28 साल मैक्सिमम एज है। और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो स्टोर एंड परचेज है, 1 पोस्ट केवल है, पे लेवल 2 के हिसाब से पे किया जाएगा, और उसकी भी एज लिमिट जो है वो आपकी 28 साल है। जो भी रूल होता है एज रिलैक्सेशन का वो आपको मिलेगा, किसको कितना मिलता है उसके आप नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन का लिंक डाल देंगे। अब देखिए यहां पे एज लिमिट की मैंने बात की, सबके लिए अलग अलग है, आप देख लेना रिलैक्सेशन किसे मिलेगा किसे नहीं। एज जो है वो काउंट की जाएगी 19 सितंबर 2024 के हिसाब से। एप्लीकेशन फी यहां पे केवल 100 रुपए है, ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि ये फॉर्म सबको भर ही देना चाहिए। 100 रुपए में आपका एप्लीकेशन आप भर सकते हो, जनरल वाले, ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, और एसटी एससी पीडब्ल्यूडीबी वुमेन, और जो यहाँ पे इनके यहाँ पहले से काम करता है ESM कैटेगरी, इन सबको कोई फी नहीं देनी है, फ्री में एप्लीकेशन हो जाएगा। आप सब ये फॉर्म जरूर भर देना, जरूर भर देना, ये फॉर्म छोड़ना मत, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं, यहाँ पे 3 पोस्ट थी ना, 2 पोस्ट सेम थी, 1 पोस्ट ही अलग थी। तो जूनियर स्टेनोग्राफर की सबसे पहले बात करेंगे। जूनियर स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वही जो आपने थंबनेल में देखा कि आपका बस 12th पास होना चाहिए, ठीक है, 12th पास आप हो आप इसको भर सकते हो। बाकी की जो 2 वैकेंसी है उसके लिए भी बस 12th पास ही होना चाहिए। एग्जाम कैसा होगा, OMR बेस्ड या फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश में ही मिलेगा। 10+2 लेवल के, मतलब 12 क्लास के लेवल के आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और जिनके साथ स्क्राइब रहेगा उन्हें 40 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। अब देखते हैं एग्जाम कैसा होने वाला है, तो जो आप पढ़ते हो ना वही यहाँ पे आने वाला है। आपको GA जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का क्वेश्चन 50 पूछा जाएगा, 50 नंबर का, 1/4 मतलब कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। आपसे GA का भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर का ही पूछा जाएगा, और इसमें भी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। इंग्लिश में 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पूछा जाएगा, 0.25 आपके नेगेटिव मार्किंग है, बहुत ज्यादा वेटेज है इंग्लिश का। लेकिन 10+2 लेवल का है, तो आप सब लोग बैंक या SSC की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप आराम से कर लोगे, ये फॉर्म जरूर भर देना। अच्छा, इसके बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे होगा, जिसमें आपको हिंदी या इंग्लिश में टाइपिंग करनी है। इसके लिए आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और जो स्पीड आपकी होनी चाहिए वो 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी टाइपिंग के लिए आपको 65 मिनट का टाइम मिलेगा, इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपको 50 मिनट का टाइम मिलेगा। आगे देखते हैं जो बाकी की 2 पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, जिसमें 2 अलग-अलग है, एक फाइनेंस एंड अकाउंट, एक स्टोर एंड परचेज के अंडर में। दोनों का एग्जाम सेम तरीके से कराया जाएगा। देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो सेम है, जैसे कि मैंने कहा सब लोग 12th पास होने चाहिए। यहाँ पे प्रोफिशिएंसी टेस्ट थोड़ा सा अलग है, आपको केवल 35 वर्ड पर मिनट टाइप करना है। किसमें?
इंग्लिश में और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना है। टाइम यहाँ पे भी आपको 10 मिनट का ही मिलेगा, ठीक है। इनका भी मोड ऑफ एग्जामिनेशन या तो MR बेस्ड होगा या तो कंप्यूटर बेस्ड होगा, और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी या इंग्लिश दोनों में पूछे जाएंगे, इंग्लिश का क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा और लेवल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 10+2, ठीक है। आगे देखिए, इनका जो रिटन एग्जाम होगा, इनका रिटन एग्जाम दो पार्ट में होगा, एक होगा पेपर वन, एक होगा पेपर टू। पेपर वन में रीजनिंग पूछी जाएगी, जिनकी रीजनिंग अच्छी खुश हो जाएगी, 100 क्वेश्चन 200 नंबर के पूछे जाएंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ आपका पेपर वन। पेपर टू में आपसे GA पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन 150 नंबर का, लेकिन एक नंबर नेगेटिव मार्किंग है, अगर एक गलत हुआ तो एक नंबर कट जाएगा। इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन 150 नंबर के, यहाँ पे भी एक नंबर की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिलते हैं यहाँ पे इस पोस्ट के अंडर में, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो कि आपको पे तो मिलेगा ही, जो आपकी सैलरी वो तो मिलेगा ही, उसके साथ अलावेंसेस भी मिलते हैं और HRA मिलता है। लेकिन अगर आप HRA नहीं लेते ना, तो आपको रहने के लिए क्वार्टर मिलता है। अगर जैसे होता है ना कि HRA तो बहुत कम देते हैं, अक्सर सिटी के अकॉर्डिंग देते हैं, कहीं 3500 देते हैं, कहीं 4000 देते हैं, कहीं 4500 देते हैं, कहीं 7000 देते हैं। आप बड़ी सिटी में हो तो आपको रेंट के लिए पैसे ज्यादा मिलते हैं, छोटी सिटी में हो तो कम। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपका HRA से काम नहीं चलता, आप छोड़ो HRA, आप घर ले लो, आपको रहने के लिए यहाँ पे घर मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बेनिफिट्स हैं, रिइंबर्समेंट वगैरह, जो अगर आप मेडिकल एक्सपेंस करते हो इस सब के लिए, ट्रैवल एक्सपेंस करते हो, इन सब का रिइंबर्समेंट, मतलब पैसा देती है कंपनी आपको वापस कर देती है, उसे रिइंबर्समेंट कहते हैं। और NPS के अंडर में आप रहोगे, आपको नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर में रखा जाएगा, तो ये सारे फायदे आपको इसमें मिलने वाले हैं। बहुत ही अच्छी ये पोस्ट रहने वाली है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि रहना कहाँ होगा हमें, मतलब कहाँ कहाँ हमारी पोस्टिंग हो सकती है, तो अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हो ना, तो एक तो इसका हेडक्वार्टर है गोवा में, या तो वहां पे आपकी पोस्टिंग होगी, और अगर वहां पे नहीं होगी तो उसके जो रीजनल ऑफिस है वहां पे हो सकती है, जो कि मुंबई में है, कोची में है, विशाखापट्टनम में है, यहाँ पे कहीं भी आप जा सकते हो, आपको रेडी रहना है पोस्टिंग के लिए, ठीक है। एग्जाम का सेंटर आपको ऑल ओवर इंडिया मिलेगा। जब आपका सिलेक्शन होगा ना इसमें, तो आपको 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। 2 साल की प्रोबेशनरी पीरियड जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, तब आप परमानेंट वहां पे हो जाओगे, ठीक है। और ये सारी बातें थी। अब आपके काम की जो बातें हैं, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, जैसे कि रीजनिंग में क्या आएगा, GA में क्या आएगा, ये सब के बारे में आप नोटिफिकेशन में डिटेल में पढ़ सकते हो, पूरा सिलेबस वहां पे गिवन है, और भी सारी डिटेल्स दी हुई हैं, आप अपने अपने काम की बातें वहां पे पढ़ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम पे एस्पिरेंट्स अबाउट के ग्रुप से जुड़ जाइए, फेसबुक पे एस्पिरेंट्स अबाउट के पेज पे जाइए, वहां पे फॉलो करिए। इंस्टा पे आपको एस्पिरेंट्स अबाउट की आईडी मिलेगी, वहां जाके फॉलो करिए, और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए एस्पिरेंट्स अबाउट का।